अपने शहर की लेटेस्ट खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। कौन सी सरकार है रात के 12 बजे जागती है? चोरों की तरह आता काम करता नहीं है, काम किया नहीं है, 2 साल से शकल दिखाई नहीं है, कोरोना के टाइम में किसी गरीब की मदद करी नहीं है, कहां पर था वो कोरोना? उसने दफ्तर तक बंद कर दिया कोरोना, ये किसी से छुपा हुआ नहीं है, जनता उसके बारे में सब कुछ जानती है। वो व्यक्ति साथी किस्म का व्यक्ति है, वो सिर्फ दूसरे की कमर को अपना बताया, ये तो अच्छा है, सबको पता है कुतुब मीनार किसने बनाई है, अरे उसका उद्घाटन भी रात को 12 बजे। सर बजट में बापा जो रोड बना है, पहले उसका बजट के निकट फॉरेस्ट के द्वारा उद्घाटन किया गया था, उसके बाद अभी आधी रात को विधायक के द्वारा रोड बनाया गया, तो क्या माना जाए दिल्ली नगर निगम में शुरू हो गया या विधायक के द्वारा रोड बनाया? वो दिल्ली नगर निगम ने बनाया, निगम पार्षद तरवर कुमार ने बनाया है, उसे तो पता लगनी जानी चाहिए। अगर मेरे कपड़े कहीं सिल रहे हैं तो वहाँ पहुँच जाके कपड़े पहन रही है, मुझे बतानी पड़ती है, टेलर को पता मत देना इसे। देखिए मुझे ये लगता है कि जो भी प्रवासी दिल्ली में है वो आम आदमी पार्टी के अरविंद केजरीवाल के काम से खुश है। अब जरूरत है संगठन के विस्तार की। आज हमारी पूर्वांचल शक्ति के संगठन की मीटिंग थी और वो तमाम पदाधिकारी जो आम आदमी पार्टी के संगठन का विस्तार का काम कर रहे हैं उनको नियुक्ति पत्र देना था और साथ में किस तरह से संगठन का विस्तार करना है इस पर विस्तार से चर्चा हुई। मैं ये मानता हूँ कि पूर्वांचली नहीं सभी प्रवासी जो बाहर से आए हैं, सबसे ज़्यादा फायदा आम आदमी पार्टी की सरकार से किसी को हुआ है तो प्रवासियों को हुआ है, तो मैं ये मानता हूँ कि प्रवासी आम आदमी पार्टी के साथ है, अब जरूरत है संगठन को उन तक पहुँचने का, यही चर्चा आज की मीटिंग में। संजीव जी, दूसरा सवाल, पूर्वांचलियों का सबसे बड़ा त्यौहार छठ पूजा है, उसको लेकर के बीजेपी के द्वारा लगातार हमला किया जा रहा है कि आम आदमी पार्टी इस पर राजनीति कर रही है, खासकर केजरीवाल को टारगेट किया जा रहा है और कहा जा रहा है कि पूर्वांचल से विधायक आम आदमी पार्टी के, उनके भी केजरीवाल मुझे लगता है कि बीजेपी केवल कोरी राजनीति करती है। एक बात बताइए कि बीजेपी के नेताओं ने आम आदमी डीडीएमए की मीटिंग पर नोटिफिकेशन निकलवा दिया, फिर आप एलजी से बात नहीं कर रहे, आप हेल्थ से बात नहीं कर रहे, आप केजरीवाल जी के यहाँ धरना दे रहे हैं, आपको पता है ना कि किसको करना है? वही बात दिल्ली के मुख्यमंत्री ने, दिल्ली के अरविंद केजरीवाल जी ने लिखा है डीडीएमए, वही प्रक्रिया है कि हमें छठ कराना है, आप मुझे गाइडलाइन दीजिए। एक बार उन्होंने एलजी से बात नहीं करी, एक बार इन्होंने ये अपने हेल्थ से बात नहीं करी, अपने प्रधानमंत्री से बात नहीं करी, अपने गृहमंत्री से बात नहीं करी, तो उनको छठ से मतलब नहीं, उनको राजनीति करना है, क्योंकि दिल्ली में राजनीतिक जमीन खिसक गई है उनकी, तो उसकी तलाश करने की कोशिश कर रहे हैं। तो मैंने उनको कहा कि छठ मैया की पूजा आस्था का महापर्व है, कम से कम छठी मैया को बकस दीजिए, छठी मैया के नाम पर राजनीति नहीं कीजिए, वरना पूर्वांचली आपको माफ नहीं करने वाला। एमसीडी की क्या रणनीति है आपकी? और देखिए मुझे लगता है कि पूरे दिल्ली की जनता ये जानती है कि किस तरह से बीजेपी ने 15 साल में लोगों को लूटा है। एमसीडी आज मोस्ट करप्ट डिपार्टमेंट बन चुकी है, वो केवल लूट का सेंटर बन के रह चुका है, तो जनता ही कह रही है कि इस बार बीजेपी को नहीं, इस बार आम आदमी पार्टी को लाना है। मुझे पूरा विश्वास है कि इस बार आम आदमी पार्टी भारी मेजोरिटी से तीनों एमसीडी में आपको दिखेगी। इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? आज का कार्यकर्ता सम्मेलन जो है, ये नए पदाधिकारी जो नियुक्त हुए हैं उनको नियुक्ति पत्र दिया जाएगा, पदाधिकारियों को और अच्छे ढंग से काम करने के लिए बताया जाएगा, जिससे कि पार्टी के प्रोटोकॉल को देखते हुए विधान लोक एमसीडी का चुनाव भी आ रहा है, हमें तैयारियां भी करनी है, सब कुछ देखते हुए जब लोग पदाधिकारी बन जाएंगे तो और लगन से निष्ठा से काम करेंगे पार्टी के लिए और उनकी हमारी जो सरकार की पॉलिसी है उनको आम जनता तक लेके जाएंगे। ये एक पार्टी की परंपरा होती है, वो पूरी की हम लोगों ने। एमसीडी के लिए क्या रणनीति है अब आपके पास? आप कैसे भाजपा को हटा पाएंगे? हमारा काम हरा पाएगा, हम क्या हरा पाएंगे? जो हम काम करते हैं, जो माननीय मुख्यमंत्री जी की नीतियाँ हैं वो हराएंगी, हम नहीं हराएंगे, जनता हराएगी। सिविल डिफेंस के लोगों को 5-5, 6-6 महीने से तनख्वाह नहीं मिल रही है, क्या कहना चाहेंगे आप? कॉरपोरेशन के लोगों को साल साल से, और ख़ास तौर पर जो सफाई कर्मचारी हैं बेचारे, ख़ास तौर पर जो टीचर स्कूलों में बच्चों को शिक्षा दे रहे हैं,
उनकी तनख्वाह की तो बात नहीं कर रहे आप। मैं बिल्कुल उनकी भी बात करूंगा कि वास्तव में उन्होंने घोटाला किया है, आपने कई उजागर किए, लेकिन सिविल डिफेंस के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे जिनको तनख्वाह नहीं मिली ड्यूटी कर रहे हैं? नहीं, ऐसा कहीं नहीं है। जहाँ ऐसा है उनकी बात संज्ञान में लाई जाएगी और उनको होगा उनका, ऐसी कोई बात नहीं। पूर्वांचल की है और एक त्यौहार आने वाला है छठ पूजा, उसके संबंध में आपकी रणनीति क्या रहेगी, चूंकि आप एक आयोग के अध्यक्ष हैं और हमारे लोकसभा के अध्यक्ष वाइस प्रेसिडेंट। सम्मानित जी, हम कभी झूठ बोल के राजनीति नहीं करते। मैंने अभी आपको कहा था, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी जो काम उनके पास होता है वो करते हैं और जो कहते हैं वो करते हैं। ये सरकार सेंटर गवर्नमेंट के पॉलिसी है, उनके हाथ में है कि कोविड का जो सिस्टम है वो कब छठ पूजा के लिए खोल दें, वो ऑर्डर कर दें आज माननीय एलजी साहब। हमारे तो सरकार लागू करने को तैयार बैठी है, वही लोग इसको रोके बैठे हैं। वो क्यों नहीं मांग करते जो बीजेपी के नेता है अपनी सेंटर सरकार से, सेंटर गवर्नमेंट से एलजी साहब के पास जाकर मांग करें कि आप खोल दो इसको, कौन रोक रहा है उनको? लेकिन कभी झूठ बोल के पॉलिटिक्स नहीं करनी चाहिए। जनता के बीच में आके मांग कर रहे हैं कि केजरीवाल जी, उनके खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं वो लोग, लेकिन जहां एक बीमारी की जड़ है इतना उसका इलाज नहीं होगा, इतना वो बीमारी ठीक नहीं होगी। देखिए, बताना चाहूँगा, आज पूर्वांचल के भाइयों के द्वारा बहुत ही विशाल कार्यक्रम किया गया, जिसमें मुख्य रूप से संजीव झा जी विधायक, आदसी जी कालका जी विधायक हैं वो मौजूद रहे, संजय भगत जी दिल्ली प्रदेश के प्रभारी पूर्वांचल शक्ति के, और जो प्रोग्राम हो रहा है ये आम आदमी पार्टी के नेता बदरपुर पूर्व विधायक श्री राम सिंह नेता की अध्यक्षता में हो रहा है। वो इस प्रोग्राम के संयोजक हैं श्री नरेंद्र सिंह जी हैं, डीके जैन जी हैं, शंभू बाबा जी हैं, इन सब लोगों ने वो प्रोग्राम किया है। बहुत ही सुंदर प्रोग्राम हुआ है और आम आदमी पार्टी के जितने भी साथीगण हैं सब यही चाहते हैं कि जिस तरीके से दिल्ली में केजरीवाल जी काम कर रहे हैं उस तरह का काम एमसीजी के अंदर भी होना चाहिए, क्योंकि आज एमसीजी में जो भाजपा का भ्रष्टाचार है वो जनता के बीच पहुँच चुका है। ना कहीं सफाई है, ना कोई फोगिंग की आती है, जगह जगह डेंगू के मामले बढ़ रहे हैं, मलेरिया के मामले बढ़ रहे हैं, चिकनगुनिया के मामले बढ़ रहे हैं, लेकिन भाजपा के नेतागण सोए हुए हैं अपने क्षेत्र में। सर, एक तरह की बात नहीं है, आज आम आदमी पार्टी निरंतर करीब 1.5-2 महीने से दिल्ली के अंदर पूर्वांचल शक्ति के लिए हर एक जिला में लोकसभा में एक पूर्वांचल शक्ति संगठन को आगे बढ़ाने के लिए ये कार्यक्रम का आयोजन रखा जा रहा है। इस कार्यक्रम के आयोजन में हमारा मुख्य जो मुद्दा है वो संगठन के विस्तार का है और ये संगठन हमें बूथ स्तर पर ले जाना है, ताकि जो माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी के द्वारा जो पूर्वांचल के लोगों के कार्य किए जा रहे हैं उन कार्यों को हम डोर टू डोर एक एक घर तक हम पहुंचाने का काम करें। और वो सारे हमारे सम्मानित साथी आप देख रहे होंगे, सारे हमारे पदाधिकारीगण आए हुए हैं और ये डोर टू डोर जाकर के माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी के द्वारा पूर्वांचल के हित के लिए जो काम किए जा रहे हैं उन कामों को बताने का काम करेंगे। एमसीडी को हटाने के लिए क्या रणनीति है आपके पास? देखिए, एमसीडी दिल्ली की जनता ने जो भाजपा के द्वारा इस 15 साल के अंदर जो भ्रष्ट प्रशासन चला है और भ्रष्टाचार जो इन्होंने की चरम सीमा कर दी है, उस चरम सीमा से दिल्ली की जनता अपने आप त्रस्त हो चुकी है और पूरे दिल्ली के अंदर भारी बहुमत से इस बार दिल्ली के लोगों ने ये मन बना लिया है कि जिस तरह दिल्ली में लोगों ने भारी बहुमत से माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी के हाथों को मजबूत किया है और पूर्ण बहुमत से सरकार बनने का मौका दिया, उसी तरह से आगामी निगम चुनाव के अंदर पूर्ण बहुमत से हमारी सरकार बनेगी और अरविंद केजरीवाल जी के नेतृत्व में जो कार्य है, जो एमसीडी के कार्य हैं, उन सभी कार्यों को समुचित सुनिश्चित व्यवस्था करने का काम हमारे अरविंद केजरीवाल जी के नेतृत्व में बनेगा। पूर्वांचल के लोगों को, कितने लोगों को टिकट मिलने की संभावना है एमसीडी में? देखिए, पूर्वांचल के टिकट, पूर्वांचल के जो बाहुल्य क्षेत्र हैं जहाँ पूर्वांचलवासियों की संख्या है और जिसपे हमारा ये फोकस है कि हम उन कैंडिडेटों को भी अभी सेलेक्ट कर रहे हैं जो कि पूर्वांचल, केवल पूर्वांचल के कहने से नहीं होगा, पूर्वांचल के लिए वो सारा क्राइटेरिया फुलफिल कर रहे हों, अपने क्षेत्र में कार्य कर रहे हों, अपने जो पूर्वांचल के लोग हैं उन लोगों के बीच उनका संपर्क हो, उनसे संपर्क स्थापित कर रहे हों,
ताकि जो अरविंद केजरीवाल जी के द्वारा जो काम किया जा रहा है उन तक जन जन तक पहुंचाया जाए, उन सभी की लिस्टिंग करके और हर संभव हम प्रयास करेंगे कि जहां पे उनकी भागीदारी है उनकी भागीदारी जरूर सुनिश्चित की जाएगी। ये जो छठ पूजा का कार्यक्रम नहीं हो पा रहा है इसके बारे में क्या कहेंगे? देखिए, अभी कुछ दिन पूर्व हमारे, मैं नॉर्थ ईस्ट लोकसभा से रहता हूँ और मैं उसी लोकसभा से सीमापुरी विधानसभा से हूँ जहाँ माननीय कैबिनेट मंत्री राजेंद्र पाल गौतम जी हैं। और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो भाजपा है जिस तरह से केवल फर्जीवाड़ा करने में रहती है, उसी तरह से पूर्वांचल वासियों के जो महापर्व छठ पूजा है उसको भी एक जोक बनाने का उन्होंने काम किया है। अभी कुछ दिन पूर्व आप लोगों ने देखा होगा, आप लोग मीडिया में हैं, कि मनोज तिवारी जी अरविंद केजरीवाल जी के घर का घेराव करने के लिए तैयार हो गए और बेफजूल का एक प्रोपेगेंडा उन्होंने बनाने की कोशिश की। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, हमारे माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी ने पूरे राजनीतिक इतिहास के अंदर पहले 72 छठ घाट थे, लेकिन मात्र 5 साल के अंदर उन्होंने 2100 छठ घाटों पे पूर्ण व्यवस्था, समुचित व्यवस्था, जिसमें बिजली, पानी, टेंट, मैथिली भोजपुरी एकेडमी के द्वारा जो आयोजन होते हैं सांस्कृतिक कार्यक्रम, उन सारे आयोजनों को सुनिश्चित करने का काम मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी ने किया है और 72 से 2100 छठ घाटों को उन्होंने समुचित व्यवस्था काम किया। लेकिन मैं उन्हीं भाजपा के नेताओं से पूछना चाहता हूँ कि इतने दिन से ये सत्ता में थे तो क्यों नहीं इतनी छठ घाटों पे वो पूर्वांचल की बात वो कर पाए। अपने शहर की लेटेस्ट खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं।